लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये भी पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपने किसी एक को चुनना है। कोई एक कार्ड ले लीजिए, जैसे ये है कृष्णा डिवोशन का कार्ड, नंबर 1 कृष्णा कार्ड है। ये जानने के लिए कि आपके पर्सन या आपके बीच में कब कोई भी प्रॉब्लम अगर जो चल रही है वो कब सॉर्ट आउट होगी, इस चीज़ के लिए देख लेते हैं। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। यहाँ पर भगवान कृष्ण आपको यही कह रहे हैं कि आप अनकंडीशनली प्यार किए जाते हैं, तो किसी भी तरह से अपनी मुसीबतों को प्यार से झेलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भी हमारे पास्ट लाइफ कर्माज ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्ड ओडिन का। ओडिन साइकिक इनसाइड, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आँख इनकी नहीं है। एक आँख ना होने का कारण यही है कि अब ये अपना अपने अंदर और भी अच्छी तरीके से झांक सकते हैं। यानी कि अगर आपके अंदर इस तरह की साइकिक पावर आ चुकी है कि यस, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो इस कार्ड को चुन लीजिए। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस कार्ड को चुन लीजिए। नेक्स्ट कार्ड है मास्टर बुद्धा। मास्टर बुद्धा क्या कह रहे हैं? इंक्रीज्ड अवेयरनेस, ठीक है, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगर आप अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट कर पा रहे हैं या अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो इस कार्ड को ले लीजिए, ताकि आपको एक डायरेक्शन तो मिल जाए कि अब आपके साथ आगे क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं और क्या आपके साथ लव साइड में या करियर साइड में क्या हो सकता है। एक गहरी सांस लें और ध्यान से इन तीनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने कृष्णा कार्ड को चुना है तो कृष्णा कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं और ये देख लेते हैं। ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, साथ में ब्लेसिंग्स भी हैं, कुछ उल्टे पुल्टे हैं, कोई बात नहीं, एक ही है, इसको रिवर्स को सीधा कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं, ऑलरेडी शफल्ड हैं ये, और इनमें से हम एक एक करके उठाते जाएंगे और आपकी रीडिंग करते जाएंगे, देखेंगे कि आपके लिए साथ साथ और क्या क्या गाइडेंस, ब्लेसिंग्स और सिचुएशन आपकी क्या है, इस तरह से देख लेते हैं। ओके, जिन्होंने कृष्णा डिवोशन को चुना है, थैंक यू सो मच। आप लोग हमेशा खुश रहें, भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहें, उनके चरणों में अपना प्यार अनकंडीशनल लव लुटाते रहें और अनकंडीशनल लव पाते रहें। ओके, तो आपके लव साइड में क्या चल रहा है? हो सकता है कि आपने बहुत लव साइड में बहुत ही बुरा टाइम देखा हो, एक कोल्ड टाइम, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि ना तो प्यार जैसा कुछ समथिंग कभी मिला और ना ही कोई सेक्सुअल लव, या बस ठीक है सब कुछ था लेकिन ना के बराबर था, इस तरह की फीलिंग्स अगर हैं तो ये कार्ड की रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकती है। एक उदास चेहरा और एक ठंडा माहौल, मतलब कि ना तो सेक्सुअल लाइफ कुछ अच्छी रही ना फाइनेंशियल लाइफ अच्छी रही, बस बाहर से देखने में ठीक ठाक था लेकिन बहुत अच्छा टाइम आपने अभी तक नहीं बिताया है अपने लव लाइफ में। अपनी रिलेशनशिप को आपने बहुत हील करने की कोशिश की है, हो सकता है बहुत साल हो गए हों, 20-25 से भी ऊपर ज़्यादा साल, अपनी लव लाइफ को हील करने में आपने पूरी ताकत लगाई है लेकिन ये ताकत आपको थका दी है, आप थक चुके हैं, फेडअप हो चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब और नहीं, अब आगे क्या करना चाहिए ये आप सोच रहे हैं। आपने अपने लिए कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं इस साल से, या हो सकता है न्यू ईयर आने वाला है तो न्यू ईयर से आप सोच रहे हैं कि मुझे अब एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ नया रेजोल्यूशन आप लेने की सोच रहे हैं, इस तरह का आपके माइंड में चल रहा है। अब आप सोच रहे हैं बस 20, 22, 27 इतने साल हो चुके हैं अब और नहीं, वैसे भी 27 नंबर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 को, 2+7 नंबर 9। ओके, नंबर 9 क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, एक बैड साइकिल, लाइफ का एक पुराना गलत गंदा साइकिल ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर
आयरन हैंड आपको दिख रहा है, ये यही शो करता है कि आपने अपने दिल में बहुत सारी बातें दबाए हुए बस ज़िंदगी को चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे कि कोई दुखी ना हो आपकी वजह से। ये चीज़ आपने की है, लेकिन दुखी सबको खुश करते करते आप खुद ही दुखी हो गए। ओह अगेन नंबर 9, अब ब्लेसिंग ऑन योर हेल्थ। यहाँ पर कार्ड ये भी कह रहा है कि अब आपने अपने हेल्थ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप सोच पा रहे हैं कि हाँ मुझे अब क्या करना चाहिए, आपकी हेल्थ में एग्जैक्टली अब क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरह से दूसरों के लिए ही जी जी के या काम कर करके अपनी हेल्थ को बिगाड़ दिया था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं सोच रही हैं और आप सोच रहे हैं सभी फेमिनाइन एनर्जी है, इसलिए भी कह रही हूँ। भगवान कृष्ण देखिए आपकी फेमिनाइन एनर्जी को पूरी तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में कितना भी स्ट्रगल देखा हो, जिस वजह से आपने अपनी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और कुछ सोचा ही नहीं अपने बारे में। लेकिन इस एज में आकर, यानी कि काफ़ी टाइम हो गया, अबव 40 आपकी एज अगर हो गई है, तो इस एज में आकर आपको लग रहा है कि मुझे अब अपने लिए स्टेप उठा लेना चाहिए। आपके लिए कार्ड्स और निकाल देते हैं, 3 कार्ड्स मोर। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक ऑन दे सेल्फ, डोंट बी मिसलीड। गलत गाइड मत होएं गलत तरीके से। ठीक है, अगर हो सकता है कि आप बहुत जगह बात कर रहे हों, उन लोगों से सलाह ले रहे हों जो वाकई इस सिचुएशन से नहीं गुजरे हैं और जो जस्ट आपको ऊपरी सलाह दे सकते हैं, एक बहुत अच्छी सलाह नहीं दे सकते हैं, जिन्होंने जीवन में बहुत अच्छा कुछ नया क्रिएट नहीं किया है, आप उनसे अगर सलाह ले रहे हैं तो आप मिसलीड होंगे। यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, अमेजिंग ऑसम फन एंड फैंटास्टिक। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में नया होने वाला है। क्या नया होने वाला है? इफ़ यू हैव एवर सडनली फाउंड एंड बीन लव बाई समवन, वाओ। अगर आपने कभी अपने इस मैरिज लाइफ से कुछ अलग हटके सोचा है, किसी और को सोचा है अपने मन में, तो ये कुछ अमेजिंग ऑसम और फैंटास्टिक थिंग होगी जो कि आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से चेंज लाएगी। कोई ना कोई एक इंसान है जिसे आपको ढूंढने की ज़रूरत है, एंड इट्स अप टू यू द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर है। अगर आप यही सोचते रहे मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, अब एज नहीं बची, अब तो ताकत भी नहीं बची, सेहत भी नहीं बची, अगर आप यही सोचते रहेंगे तो वो सब कुछ चीज़ों से आप रह जाएंगे। तो इसलिए यू विल फाइंड व्हाट यू सीक, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑनर दे सेल्फ, जस्ट क्यूरियस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लुक्ड इनटू अ मिरर। आपने कब अपना चेहरा अच्छी तरीके से मिरर में देखा था? यस यू आर गॉर्जियस, यू आर मैग्निफिसेंट और सब्लाइम। रियली, आप अपने आप को जब तक गॉर्जियस नहीं कहेंगे कोई और नहीं कहेगा। अपने आप को इस तरह से कहना ज़रूरी है, इट मैटर्स, यही लिखा है इसमें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, हेयर इज़ लुकिंग एट यू गॉर्जियस, द यूनिवर्स, आप रियली गॉर्जियस हैं। गॉर्जियस आ रहा है और फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन सारी एनर्जी आ रही है, जो एक डिवोशनल ईश्वर के प्रति डिवोशनल हो रही हैं, एक किसी व्यक्ति के प्रति डिवोशनल हो रही हैं, जो एक अनकंडीशनल लव देते हैं। हो सकता है आप एक कार्मिक मैरिज में फंसे हुए हों और आपको कोई सोलमेट जैसा पर्सन मिल रहा है, या जस्ट आप एक डेस्परेटली सोच है आपके अंदर उस चीज़ की कि कोई तो मिले, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए ऑनर दे सेल्फ मतलब अपने आप को भी ऑनर करने की ज़रूरत है। डोंट बी मिसलीड, व्हेन फियर स्पीक्स इट्स ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज बीइंग चेस्ड बाय वाइल्ड बीस्ट्स, एंड व्हेन लव स्पीक्स इट्स ऑलवेज राइट एंड यूजुअली बाउंसिंग। जब आपके अंदर का प्यार जगता है ना, तो वाकई वो बाउंस ही होता है, बाउंस करता है, इन द सेंस कि आप उसमें खुशी से जॉयफुली कूदते हैं, खुश होते हैं जब प्यार होता है तो। लेकिन जब डर होता है तो डर के साथ आप कुछ नया काम नहीं क्रिएट कर सकते। गेम ऑन, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं गेम ऑन, जस्ट आपका खेल अभी जारी है। आप ये मत सोचिए कि एज चली गई, स्किन ढल गया, हेल्थ ढल गई, कुछ नहीं बचा है। नो,
ये आपका बॉडी के साथ हो रहा है, आपका मन अभी भी जमा है, आपको लगातार काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर। दूसरों के लिए अगर आपने बहुत काम कर लिया है, जस्ट लेट देम, उनको अपनी जगह रहने दें, आप अपने लिए काम करना शुरू करें। क्योंकि जितना जिसके लिए बिचते जाएंगे, वो आपको उतना ही साइड करते जाएंगे या फॉर ग्रांटेड लेते जाएंगे कि छोड़ो इनका तो कुछ नहीं है, ये तो हमारे लिए ही जिएंगे, ऐसा सोचते हैं वो। तो ऐसा ना करें, अपनी सेहत पर ध्यान दें, अपने मन पर ध्यान दें, अपना रेजोल्यूशन जो आपने पक्का लिया है उस पर पूरी तरीके से ध्यान दें कि हाँ मैंने जो अपने लिए सोचा है वो तो मैं पाकर ही रहूँगी, और क्या सोचा है वो चीज़ आपको अपने आप से कमिटमेंट देना होगा, आज नहीं तो कल देना ही होगा। सो थैंक यू सो मच। भगवान कृष्ण को अगर आप मानते हैं या नहीं भी मानते हैं तो भी आप एक सुप्रीम पावर को तो मानते ही होंगे, उनके सानिध्य में रहें। अष्टदल कमल भी यहाँ पर बना हुआ है इनके पीछे, ये बता रहे हैं कि चारों ओर से आपको सिद्धि और प्रसिद्धि मिलने वाली है। जस्ट गिव अप ना करें और मिसलीड भी ना हो, गलत गलत जगह से गलत लोगों से सलाह ना लें। बहुत ही मुश्किल हो रही है तो पर्सनल रीडिंग भी आप ले सकते हैं, जिसके लिए आपने मुझे सिर्फ नंबर घुमाना है 8307788247। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। आपने इस कार्ड को चुना है सेकंड कार्ड, साइकिक इंसाइट, इसे हम यहाँ रख देते हैं और आपके लिए रीडिंग्स निकाल लेते हैं कि आपकी साइकिक एबिलिटी जो है वो कितने आगे तक पहुँच चुकी है और आपके लिए क्या गाइडेंस भी आ रही है, साथ में ब्लेसिंग्स भी क्या आ रही हैं, आपकी लव लाइफ कहाँ तक चली है, क्या आप सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं, नंबर 33, नंबर 10, नंबर 11 एंड नंबर 37 इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं इसी की कि आपने जो अपनी बाउंड्रीज सेट की हैं अपने लिए, उसे आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपनी बाउंड्रीज का दायरा आप लगातार आगे बढ़ाते रहें। बाउंड्रीज बनाने के बाद हमें ये लगता है कि हम बहुत ही छोटे हो गए हैं, हमने तो सीमित कर लिया अपने आप को। सीमित हमने करना है उन लोगों के बैड सर्कल से, उन लोगों के बैड साइकिल से और उन लोगों के बैड एनर्जी से, समझ रहे हैं ना। जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है या इस तरह के रिलेशनशिप वाला सर्कल है और जो बहुत अच्छा नहीं है, उससे आपको बाहर निकलना ही होगा। इसके लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और आप कर रही हैं। नंबर 33, अगर आपकी एज 33 है तो हो सकता है कि 33 की एज में भी एक ज़बरदस्त यूनिवर्सल साइकिल होता है जिसमें कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ज़बरदस्त चेंज आता है। अगर आपकी एज 33 है तो भी, 42 है तो भी, इस तरह के चेंज आते ही हैं लाइफ में। वाओ, नंबर्स बहुत खूबसूरत आए हैं। देखिए 33, 10, 11 एंड 37, यहाँ 3+7 भी 10 बनता है, 10+10। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी दिखाई दे रही हैं कि आप इमोशनल बीइंग भी हैं, आप एक घर एक परिवार भी चाहती हैं, आप घर परिवार के साथ बच्चे एंड पेट्स भी चाहते हैं, एंड इस तरह की यूनिटी चाहती हैं कि जो लोगों के साथ भी रहा जाए, और डिविनिटी भी चाहती हैं कि डिवाइनिटी, डिवाइन चीज़ों को भी ग्रास्प करना चाहती हैं। जहाँ अलग अलग बंधन हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, वहाँ पर भी यूनिटी है कि नहीं। जब यूनिटी हमें तभी दिखाई देती है जब कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, तब सभी जातियों के लोग एक से हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक दुख आए तभी कोई एक, तभी लोग एक इकट्ठा हों। जब सब सुखी होते हैं तो सभी लड़ने लगते हैं, इसीलिए हर कोई फिर दुख को ढूंढने लगता है कि हाँ वही टाइम अच्छा था जब हम एक थे। एक इंसान परिवार में भी ऐसा ही होता है कि एक तभी रहते हैं जब पैसों की कमी हो, तंगी हो, दुख हो, पेन हो, है ना। जब सबके पास पैसे आने लग जाते हैं हर एक इंडिविजुअल के पास, तो वो फैमिली बिखरने लगती है कि मैं तो यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ये जॉब मिली है, मुझे ये करना है, तो वो बिखराव हो जाता है। फिर जो हेड ऑफ द फैमिली है या आप यहाँ भी आप हेड ऑफ द फैमिली की तरह ही रही हैं, ऐसा लग रहा है। फीमेल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, मैस्कुलाइन एनर्जी, या तो
आप अनमैरिड हैं जिसमें कि आपकी डेस्परेट डिज़ायर है, जिसमें कि एज भी 33 अबव हो चुका है या हो रहा है या चल रहा है, आप भी चाहती हैं मेरा घर हो, मेरे बच्चे हो, मेरे परिवार हो, जैसे सबका होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अब तक अर्ली मैरिज हो गई हो और इस एज तक आते आते, अर्ली मैरिज जैसे बाल विवाह कहते हैं ना, तो उस टाइम में भी अगर जल्दी हो गई है आपकी 15-16 की एज में, और उसके बाद आपने बहुत कुछ मेस देखा है अपनी लाइफ में, उस मेस के देखने से ही, उस गंदगी को, उस डिप्रेशन को, उस तकलीफ़ को, उस पेन को, उस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखने के बाद आपके अंदर जो ये ज़बरदस्त साइकिक पावर आई है दूसरों को देखने की, यूनिवर्स से बात करने की, आप एग्जैक्टली कौन हैं, वो चीज़ इस रैबिट होल से आप बाहर निकल चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं आप रैबिट है, ये रैबिट आपको यही कहता है कि आप रैबिट होल से बाहर निकल चुके हैं। रैबिट जो है, खरगोश है, वो बहुत बहुत गहराई में जाकर अपना घर बनाता है, तो वो जो उसका होल होता है वो बहुत नीचे की तरफ होता है। तो इसलिए अब आप उस रैबिट होल से बाहर निकल चुके हैं। आपने जाना है कि बस इस, जिसे कहते हैं ना कुएं का मेंढक होना, उस चीज़ से बाहर निकल गई हैं। समझ पहले भी थी लेकिन एक्शन नहीं ले पाना, एक डर, एक फियर, एक एंग्जाइटी आपके अंदर थी। बाउंड्रीज आपने जब अपने लिए क्रिएट की हैं तब से आपके अंदर ये साइकिक एबिलिटी शुरू हो चुकी है। आपके लिए 3 कार्ड्स हैं इस तरह से, समटाइम्स द गुड एज इज इन हिडन, दिख रहा है आपको, स्टार्ट वेयर यू आर एंड यू हैव गॉट टाइम। यस, आपके पास टाइम है, ये कार्ड बता रहे हैं आपके पास ऑलरेडी टाइम है। आई थिंक आप पढ़ पा रहे होंगे। एवर वंडर व्हाट वुड मेक लाइफ फ्लीटिंग पेन एंड सॉरो टोटली एंड अनक्वेश्चनेबली वर्थ इट, हाउ अबाउट लिविंग फॉर एवर वाइडली इन लव एंड लव्ड वाइडली। देखिए, हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहा जा सकता है, इसलिए कुछ टाइम के लिए भी अगर हम धरती पर हैं तो कुछ ना कुछ लाइफ में पेन एंड सॉरो तो हमें झेलना ही होगा, और ये वर्थ है, ये ठीक है, ये हमारे लिए है। वही कहते हैं ना कि हाँ, दाग अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि देखिए, पेन है, पेन अच्छा है, सफरिंग है, सफरिंग भी अच्छी है, अगर तभी अच्छी है जब हमने उसके साथ कुछ नया जान लिया है। तो आपके पास यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है अपने आप को जानने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। आपके पास रियली बहुत सारा टाइम है, आप ये ना कहें कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम रियली आपके पास बहुत है, तो इसको आपको देखना है। टाइम्स कहें या आपकी एज कहें, एज भी आपकी बहुत ज़्यादा होगी, कुछ नया क्रिएट आप करना चाह रहे हैं, आप यूनिवर्स से जुड़ना चाह रहे हैं। हो सकता है 10-10 नंबर आपको बहुत दिखता हो, 11-11 बहुत दिखता हो, 33 और 333 इस तरह के नंबर्स आपको बहुत दिखते हों। साइकिक एबिलिटी आपकी बढ़ चुकी हो, नेगेटिविटी दूर जा रही हो, नेगेटिव लोग आपसे दूर जा रहे हों, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसीलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यू हैव गॉट टाइम, टाइम आपके पास बहुत है। स्टार्ट वेर यू आर, जहाँ से भी आप हैं, आप ये कहें, ये ना कहें मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन ये नहीं है, वो नहीं है, टीम वर्क नहीं है और समथिंग समथिंग, है ना। तो इस तरह की बातों को थोड़ा सा साइड करें, जो भी है उसी से स्टार्ट करें। द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड अर्थ शेकिंग लव इज दैट यू कैन स्टार्ट विद एनीवन नेक्स्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप किसी के भी साथ किसी भी समय अगर आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं कि आप अपने आप को आगे बढ़ा सकें, वो वाली फीलिंग्स आप अपने अंदर लेकर आएँ और आगे जहाँ पर भी आप हैं, जो भी चीज़ आपके पास है उससे काम शुरू करें। समटाइम्स द गुड इज हिडन, बाहर आपको क्या पता समय कुछ दिखाई ना दे रहा हो, कुछ अच्छा दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ें छुपी हुई होती हैं। फाइंड द गुड इन व्हाट दे सेड और आस्क्ड, दे का मतलब यही है कि लोग आपसे क्या कह रहे हैं और क्या नहीं, ये चीज़ों को भी साइड कर दीजिए, और ये चीज़ उन शब्दों में क्या अच्छा है उस चीज़ को ढूंढिए। कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, गलत ब्लेम कर रहा है, या जस्ट यूं ही ताने मार रहा है, हो सकता है कि 33 की एज तक शादी नहीं हुई तो ताने मार रहे हैं, हो सकता है कि आप मैरिड हों और बच्चों की चाह अभी तक पूरी नहीं हो पाई हो, माँ बनने की चाह पूरी नहीं हो पाई हो तो लोग ताने मार रहे हों, तो इन सब बातों को बिल्कुल दरकिनार कर दें। इट्स ऑलवेज देयर इवन इफ दे डिडंट मीन फॉर इट टू बी देयर।
शेयर लकली योर्स द यूनिवर्स क्लूज फॉर वट यू वॉन्ट आर हिडन ऑल अराउंड यू। जो भी आप कुछ जानना चाहते हैं वो सब कुछ आपके आसपास ही है, बस हमें अपनी आँखों को वाइड ओपन करना चाहिए। वाइड ओपन सिर्फ आँखों को ही नहीं, एक हिडन, जब हिडन समथिंग है तो हिडन आई से ही देखना होगा ना। जब कुछ छुपा हुआ है कैसे जानेंगे, साइकिक एबिलिटी से जानेंगे। तो साइकिक एबिलिटी आपके अंदर बहुत है, बहुत अच्छी है, आप उस साइकिक एबिलिटी का यूज़ करें और बहुत कुछ पाने की कोशिश करें। जो भी कुछ है लाइफ में वो सब कुछ अच्छा है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। किसी भी तरीके से आपको घबराने की, रोने की या फ्यूचर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एंट्री ऑफ टाइम है। जहाँ से आप हैं, जो भी कुछ आपके पास है, जो भी रिलेशनशिप है, जो भी मटेरियल है, जो भी करना चाहते हैं, आज से शुरू कर दें। समटाइम आपके पास कुछ छुपा हुआ होता है जो दिखता नहीं है, तो जहाँ आप हैं वहीं से वो काम शुरू कर दें जो आपकी इनर वॉइस कहती है। और अगर आपको इनर वॉइस नहीं समझ आ रहा कि मेरा सोल पर्पस क्या है क्या नहीं, तो आप एस्ट्रोलॉजी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8307788247 पर, जिसमें आपकी पास्ट लाइफ के बारे में भी, कि पास्ट लाइफ में आपने ऐसा क्या किया कि अभी तक आपको वो सुख प्राप्त नहीं हुआ जो आप एग्जैक्टली चाह रहे हैं, और अब आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। मास्टर बुद्धा इंक्रीज्ड अवेयरनेस, हेलो एंड वेलकम। आपने ये थर्ड कार्ड चुना है जिसमें हम आपके लिए ले लेंगे 2, 3, 4 कार्ड्स। तो फर्स्ट टू मैंने ये निकाले हैं। ओह अगेन फेमिनाइन एनर्जी। देखिए यूनिवर्स में सब कुछ फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एक जीवन है, जीवनदायिनी शक्ति है फेमिनाइन एनर्जी में। सो ब्यूटीफुल। देखिए अगर आप अपने आप को या आपकी पेरेंट्स या आपकी मदर ही आपको ये कहती हैं तुम लड़की हो लड़की हो, इस चीज़ से कभी ना घबराएं। ये होता है जहाँ ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं तो वहाँ पेरेंट्स में से आपकी मदर ही बहुत ज़्यादा कुछ आपको इस तरह से हर्ट करने लगती हैं, जबकि वो भी खुद वुमनहुड को इंजॉय कर रही हैं या जी रही हैं। अगर इंजॉय करती तो आपको इस तरह से ब्लेम ना करती कि तुम ये क्यों हो, तुम ये जेंडर क्यों हो पर्टिकुलरली। खैर कोई बात नहीं, जिसकी जितनी समझ वो उसी तरीके से बात करेंगे। यहाँ अगेन फेमिनाइन एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है कि जो ये कल का हमारा सोलर एक्लिप्स गया है, मून एक्लिप्स गया है, एंड फुल मून भी कह सकते हैं, भारत में नहीं दिखा है लेकिन फुल मून की एनर्जी आपको कैच कर रही होगी। इस वजह से फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है। यहाँ पर काफ़ी सौरव पेन और दुख और बढ़ती हुई एज या समझ दिखाई दे रही है। फेमिनाइन एनर्जी ही है जो यूनिवर्स में घूमती रहती है, और हम यहाँ धरती पर आकर पेड़ पौधे पशु पक्षियों को छोड़ दें तो एक ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो अपने जेंडर को, अपने आप को, अपनी जाति को, ह्यूमैनिटी को कर्स करते रहते हैं। नेचर को, बारिश क्यों हो गई, धूप क्यों हो गई इतनी, ओह इतनी ठंड क्यों हो गई, हर समय कर्स करते रहते हैं। हमारे पास दिमाग सबसे अच्छी चीज़ है, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से सबसे सुप्रीम है, लेकिन फिर भी हम उस दिमाग का यूज़ अच्छी जगहों पर लगाते ही नहीं। हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं लोगों को, क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने ही पेरेंट्स को, क्रिटिसाइज़ करते हैं नेचर को, क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे पास जो चीज़ नहीं है उसको, उसको ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मास्टर बुद्धा यही कहते हैं। अब आप देखते हैं ना, अब आप बहुत से लोग ये कहते हैं कि इनके दाढ़ी मूछ नहीं थी क्या, इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते हैं, और सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि किस तरह से सवाल किया जा रहा है, इनको क्यों मानते हो कि इनकी क्या है, इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। इतना गलत तरीके से बोलते हैं, पर फिर भी जवाब सिर्फ इसका यही है कि फेमिनाइन एनर्जी को इन्होंने अपने अंदर जागृत किया है। जो भी ईश्वर जो मेल बॉडी में है और उनका आपने बियर्ड एंड मुस्टैच के बिना आपने पिक्चर देखा है हर जगह, तो ये समझ लीजिए उन्होंने अपने अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से जागृत करके बैलेंस किया है। जब इनके अंदर ममता और करुणा आ जाती है, तभी एक मेल बॉडी के अंदर ममता और करुणा आ जाती है, तभी वो यूनिवर्स से जुड़ पाते हैं। ईश्वरीय शक्ति स्त्रीत्व के अंदर है, स्त्रीत्व शक्ति वुमेनहुड के अंदर है, स्त्री के अंदर है। स्त्री अगर अपनी वैल्यू को कम करती हैं, कम मांगती हैं, जो कि आजकल हो ही रहा है हर तरह से, हर एस्पेक्ट से, तो तब फिर वहाँ पर ब्लंडर्स होते हैं।
अपनी सेक्सुअलिटी को एंजॉय करें, अपनी वुमनहुड को एंजॉय करें, अपनी जीवन की डोर अपने हाथ में लें, बजाय कि कोई और आए और वो आपको संवारे। वो सपने अपने आप ही होगा जिसकी आप चाह रख रहे हैं, लेकिन पहले अपने आप को तो मजबूत करें। अगर आप कमज़ोर हैं, अगर आप लैक ऑफ समथिंग की एनर्जी में हैं, तो सामने वाला पार्टनर भी आपको लैक ऑफ समथिंग की ही रहेगा। उसे भी चाहिए और आपको भी चाहिए, तो देगा कौन? ये वाली चीज़ दिखाई दे रही है। नंबर 44, मे बी आपकी एज 44 हो, मे बी आप 44 नंबर बहुत ज़्यादा देखते हो, और 44 नंबर का मतलब भी होम कमिंग है। अगर आप मैरिड हैं, आपका हस्बैंड बहुत दूर चले गए हैं, थर्ड पार्टी में एंगेज हो गए हैं, तो ये रीडिंग आपको ये इस तरह से कह रही है कि आपका पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आने वाले हैं। मैरिड अनमैरिड ये सभी लेबल्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको रेजोनेट करे नहीं करे, बेसिक मैसेज को आप अपने आप से जोड़ कर देखें, बजाय कि ये मैरिड है वो अनमैरिड है, डिवोर्स है, आपने तो ये कह दिया, आपने तो वो एज कह दी, हम तो इस एज के नहीं हैं। इन चीज़ों से ऊपर हट के देखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नंबर 22, ब्यूटीफुल, डबल नंबर्स हैं। अ ब्लेसिंग ऑन अ जर्नी, आप जिस भी जर्नी में हैं, ह्यूमन जर्नी में है, आपकी जो लाइफ जर्नी चल रही है वो है, स्पिरिचुअली बहुत हाई है वो वाली बात है, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं ये वाली बात है, तो आपकी जर्नी में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। मास्टर बुद्धा यही कह रहे हैं कि आपके अंदर की अवेयरनेस लगातार लगातार डे बाय डे बढ़ रही है। उदास रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता है कि सही शब्द क्या हैं और किस तरीके से अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है। मून एंड मून अगेन, मून मून मून, ब्यूटीफुल। देखिए अभी फुल मून गया है या मून एक्लिप्स गया है, तो इस वजह से भी आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत डाउन दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत डाउन। फिजिकली भी डाउन हो सकते हैं, मेंटली साइकोलॉजिकली भी। एक बहुत गहरी उदासी भी आ सकती है घर में इस टाइम पर, आपकी वजह से या किसी और की वजह से आपका चिड़चिड़ापन वो बाहर निकलता है। वो इस वजह से होता है कि जब आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही होते हैं। 15 days और 7 days का चैलेंज लीजिए अपने लिए, फर्स्ट 7 days का चैलेंज लीजिए, हर तरह का, खान पान के लिए, ड्रेसिंग सेंस के लिए, स्माइलिंग के लिए, एक्टिवनेस के लिए, कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए 7 days का चैलेंज लें। आप मेल बॉडी में हैं चाहे फीमेल बॉडी में हैं, सबके लिए एक ही बात है, बॉडी मायने नहीं रखती है, बॉडी भी हम खुद चूज करके आते हैं। ये दुख हमारे मायने नहीं रखते हैं, ये दुख और सफरिंग भी हम खुद चूज करके आते हैं। क्या मैम ये क्या कह रहे हो? एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे और भी डीप वाली विजडम वाली बातें पढ़ेंगे, सब समझ आ जाएगा आपको। ये हम सब कुछ चूज कर आते हैं। हमने किसी की पत्नी बनकर जाना है, पत्नी हमेशा काम ही करती है पति के लिए। वो पुरुष प्रधान देश क्या है ये तो हर जगह है, कहाँ नहीं है, नेचर में भी यही है। आप पेड़ पौधों को देख लीजिए, पशु पक्षियों को देख लीजिए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री हमेशा दबती रहेगी, इसका मतलब ये है कि स्त्री को और स्ट्रांग होना है। जितना उसके लिए दुख और पेन सफरिंग आएगा उतना ही वो और मजबूत हो सकती हैं अगर वो चाहें तो, और नहीं तो उनको यही लगता रहेगा कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है और स्त्री होना एक कर्स है। फीमेल होना बिल्कुल भी कर्स नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। नंबर 38, ब्लेसिंग ऑन ग्रोइंग ओल्डर। या तो आप फिजिकली ओल्डर हो रही हैं या फिर विजडम आपके अंदर ज़बरदस्त आ रही है। बहुत से टीनेजर से भी मैं मिली हूँ जो इतनी विजडम प्राप्त हैं कि ऐसा लगता है कि इतनी छोटी एज में इतना सब कुछ झेल लिया, इतने ब्लंडर्स हो गए उनके साथ, बहुत कुछ हो गया, मतलब जो हम लोग नहीं सोच सकते हैं वो सब कुछ भी उनके साथ हो गया है। उसके बावजूद भी वो जिंदा हैं, एक्टिव हैं, खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल हैं, बोल्ड हैं और एंथुजियास्टिक हैं, बिल्कुल अवेयर हैं हर चीज़ से कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी में, मेरी बॉडी में, मेरे दिमाग में, और आगे अपनी लाइफ को किस तरह से बढ़ाना है, वो सब चीज़ उनके दिमाग में चल रही है। आपके लिए 3 cards और निकाल देती हूँ, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में और आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो वापस आ जाएं, तो वो आ रहे हैं ये समझ लीजिए, और लेकिन अपनी डिग्निटी को ना छोड़ें, अपनी बाउंड्रीज को बनाए रखें,
उदासी से दूर रहें और कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट अपने लिए करते रहें। ऑल देयर इज़ लव हैज़ बीन देयर ऑल अलॉन्ग। आप जो भी काम करें प्यार के साथ करें, वो प्यार ही सब कुछ होगा। वेन यू बिगिन टू फाइंड लव इन पीपल एंड प्लेसेस वेयर यू हैवन्ट फाउंड इट बिफोर, इट्स ऑलवेज बिकॉज यू हैव ग्रोन। यू सो रॉक द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यू आर रॉकिंग पर्सन। आप प्लेस में या किसी इंसान में अगर ये ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, तो इतना प्यार को आप अपने अंदर छुपाए हुए हैं, उस चीज़ को देखें। जैसे एक मृग कस्तूरी को ढूंढते, वो खुशबू कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, वो चीज़ ढूंढता रहता है, लेकिन मिलता कहाँ पर है, होता उसी के ही पास है ना। द नेक्स्ट कार्ड इज थिंग्स आर नॉट एज दे अपीयर। जैसा दिखता है वैसे ही नहीं होती हैं चीज़ें। द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव द हायर इट्स वैल्यू। जितना आप द लोअर द प्राइस ऑफ योर लव, जितना आपका प्यार की कीमत कम होगी उतना ही आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अपने प्यार को ही ज़्यादा ना दर्शाएं, मेरी बातों को और डीपली समझें। जो बाहर से दिख रहा है ना उस चीज़ को ना देखें, मेरे कहने का मतलब है अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। ब्रेन फ्रीज द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप अपने दिमाग को पूरी तरह से फ्रीज ना करें। जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। इट्स नॉट एज इफ, मेरे कहने का मतलब है अगर आपको दुख पेन सफरिंग लग रहा है या एज बढ़ती हुई लग रही है या जीवन में ऐसा लग रहा है अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। जैसी चीज़ें दिख रही है ऐसी नहीं है। यूनिवर्स में सब बदल रहा है, सब एवरीथिंग, सब धीरे 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 प्लैनेट आपका बदल रहा है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, जब शुरू हुई थी वो समय कुछ था, जब ख़त्म होगी कुछ और समय है। अभी जो मैं बोला मैंने शब्द, वो मैं वापस नहीं रिपीट कर सकती, वापस उसी समय में नहीं जा सकती। तो समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ बदल रही है, तो आपकी लाइफ कैसे नहीं बदलेगी, बदलेगी और पॉजिटिवली बदलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखें। इट्स नॉट एज इफ यू नीड एनीवन फॉर एज लॉन्ग एज यू विश टू कीप देम इन योर लाइफ, हूएवर दे मे बी, अंडरस्टैंडिंग देम। जितना भी आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में पकड़े रहना चाहते हैं, अपने पास ही रखना चाहते हैं, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। एज अपोज टू चेंजिंग देम विल वाइल्डली इम्प्रूव द चेंजेस दैट दे विल विश टू कीप यू इन देयर लाइफ। आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए दूसरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द अदर हैंड यू आर प्रीटी मच स्टक विद मी। ओ वाओ, हाउ आई लव यू द यूनिवर्स। यूनिवर्स कह रहे कि तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो। आई लव यू। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आई लव यू। द वाई कांट यू से लव यू यूनिवर्स। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि लव यू यूनिवर्स, आई लव यू गॉड, यू आर विद मी ऑलवेज, आई एम सो थैंकफुल टू यू, I'm so thankful to the universe. I'm so thankful for my pain and suffering. क्योंकि हमने उस चीज़ से लर्न किया है। अगर आपके पास पेन और सफरिंग नहीं होती, सब कुछ स्मूथली चलता जाता, तो दिमाग हमारा कहीं और ही उड़ने लगता है। तो दिमाग नहीं उड़ा ना, ठीक है ना, ज़मीन पर है, ग्राउंडेड है। तो मास्टर बुद्धा भी आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जिनकी चाहत रख रहे हैं वो ज़रूर वापस आएंगे। जिनको आप प्यार करते, फर्स्ट कार्ड इज दिस होम कमिंग, दिस इज़ ऑल्सो होम कमिंग टाइप, कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम जो चाहो वो मैं दूंगा, एक बार मेरी तरफ तो देखो, एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश तो करो। जो तुम्हें अपनी आँखों से दिख रहा है उसके पीछे जाने की कोशिश करो। वट इज़ हिडन इनसाइड योर ड्रीम्स, वट इज़ हिडन इनसाइड योर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन अगर आप करते हैं, समटाइम हम ईगो में करते हैं, ये तो मुझे चाहिए चाहिए, क्यों? जो आपकी सोल को चाहिए वो मैनिफेस्टेशन राइटिंग वही लिखें। जो आपकी ईगो को चाहिए, जो 3D वर्ल्ड का है, वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। जो आपकी सोल को चाहिए वो लिखें। 3D वर्ल्ड की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आती चली जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच। अपनी जीवन को हमेशा आगे बढ़ाएं, कभी भी स्टक फील ना करें। और अगर लग रहा है कि स्टक फील हो रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, जो भी आप कराना चाहें, अपने जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा 8307788
247 पर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।